नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पोरबंदर में स्थित कीर्ति मंदिर में महात्मा गांधी के जन्मस्थान और सुदामापुरी में कृष्ण सुदामा की भेंट का ऐतिहासिक स्थलों की खोज करेंगे। पोरबंदर एक पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात का एक विचित्र तटीय शहर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मस्थान है, जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत के समृद्ध इतिहास और इसकी सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक के जीवन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पोरबंदर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। पोरबंदर का एक ऐतिहासिक महत्व है। पोरबंदर वह स्थान है जहां महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जिस घर में उनका जन्म हुआ था, कीर्ति मंदिर को उनके जीवन और शिक्षाओं को समर्पित एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। इस मंदिर महात्मा गांधी के जीवन जुड़ी कुछ बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह है और सबसे ऊपरी के मंजिल में फोटो गैलरी, जहां पर महात्मा गांधी जी की जीवन की घटनाएं की यादें फोटो में लगाई गई है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप समय में पीछे जाकर इस उल्लेखनीय नेता के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप आराम कर सकते हैं और चिंतन कर सकते हैं, जैसा कि गांधी जी ने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान किया था। ये समुद्र तट अरब सागर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और सूर्यास्त देखने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। पोरबंदर सिर्फ गांधी जी के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक महत्व का भी स्थान है। श्री समर्थ नाना टूर सासवड यांच्या वतीने आपलं कीर्ति मंदिर पोरबंदर या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। आता आपण जे उभे ते आदरणीय आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा ज्या ठिकाणी जन्म झाला त्या पोरबंदर कीर्ति मंदिर या ठिकाणी उभे हे आपण इकडे पाहू शकताय की पूज्य महात्मा गांधीजी का जन्मस्थान या ठिकाणी त्यांचा जन्म झालेला। हे जे मंदिर आहे, हे मंदिर हा जो पुरातन भाग आहे आणि हा सगळं न्यू फॉर्मेशन आहे, भारत सरकारने याला राष्ट्रीय स्मारक असं घोषित केलंय। 2 ऑक्टोबर 1869 साली महात्मा गांधींचा जन्म झाला। त्यांच्या वडिलांचं नाव होतं करमचंद गांधी आणि आईचं नाव होतं पुतळाबाई। तर गांधीजींचे वडील एक व्यापारी होते इथले, त्यामुळेच हा आपला भव्य दिव्य वाडा पाहायला भेटतोय आणि बाकीचा इतिहास तुम्हाला माहितीच आहे पुढचा गांधीजींचा। तर आता आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचं की इथं गांधीजींचं जन्मस्थान पाहायचंय। ते झालं की इकडे एक संग्रहालय त्या ठिकाणी त्यांचे पोस्टर वगैरे हे, आणि वरती गेलं ना एक फोटो गॅलरी आहे पहिल्या मजल्यावर। 3 पॉईंट पाहायचे आणि आपल्याला याच्यानंतर जायचे सुदामपुरीला। सुदामपुरी म्हणजे जो आपण काल स्टोरी ऐकली ना श्रीकृष्ण आणि सुदामा, सुदामा सुद्धा याच शहरातला होता, याच पोरबंदरचा सुदामा होता। सुदामा हा श्रीकृष्णाचा मित्र होता। यहा थोई दूरी पर सुदामा मंदिर है, जो कि भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा को समर्पित सुदामा मंदिर देखने लायक एक और आकर्षण है। मंदिर की वास्तुकला और शांतिपूर्ण माहौल आपके अन्वेषण के दौरान इसे एक सुखद पड़ाव बनाते हैं। भोजन और स्थानीय व्यंजन, भारत में किसी भी स्थान की यात्रा स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखे बिना पूरी नहीं होती। पोरबंदर में आप ढोकला, खांडवी और प्रसिद्ध थाली जैसे स्वादिष्ट गुजराती व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। स्थानीय समुद्री भोजन का स्वाद चखना न भूलें, क्योंकि पोरबंदर एक तटीय शहर है जो अपने ताज़ा भोजन के लिए जाना जाता है। अपनी यात्रा की योजना बनाएं। पोरबंदर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा पोरबंदर हवाई अड्डा है और शहर में एक रेलवे स्टेशन भी है। सुखद जलवायु का आनंद लेने के लिए अक्टूबर से मार्च के ठंडे महीनों के दौरान अपनी यात्रा की योजना बनाना उचित है। गुजरातील प्रसिद्ध पर्यटन ठिकाणी जाण्यासाठी श्री समर्थ नाना टूर्स व ट्रॅव्हल्स सासवडला संपर्क करा। मोबाईल नंबर 9730445409। श्री समर्थ नाना टूर सासवड आणि सावकारदादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीनं तुम्हा सगळ्यांचं सुदामपुरी पोरबंदर येथे हार्दिक स्वागत। आता आपण कीर्ती मंदिरला जाऊन आलो, जे महात्मा गांधीजींचं जन्मस्थान होतं, आणि आता आपण हे सुदामाच्या मंदिरामध्ये। तर सुदामा आणि कृष्ण हे मित्र होते हे सगळ्यांना माहिती आहे, पण त्यांची मैत्री झाली कुठे हे किती लोकांना माहिती आहे? नाही माहिती। सुदामा आणि श्रीकृष्ण हे सांदीपनी ऋषींचा आश्रम आहे उज्जैनमध्ये, तिथे एकत्र शास्त्रविद्यांचा अभ्यास करत होते, तिथे त्यांची मैत्री होती। त्याच्यानंतर ज्यावेळेस श्रीकृष्ण वृंदावन मथुरा सोडून द्वारकेला आला, त्यावेळेस सुदामा श्रीकृष्णाला भेटायला आला, सोबत त्याच्या सुदाम्याच्या बायकोला जे पोहे दिले होते
तर ते पोहे घेऊन तो श्रीकृष्णाच्या दारात आला त्याला भेटायला. तर त्याला बघून श्रीकृष्णाला इतका आनंद झाला, परमानंद, माझा मित्र मला इतक्या वर्षांनंतर भेटतोय ज्याच्यासोबत मी शिक्षण घेतलं. तर ज्या वेळेस श्रीकृष्णाला पोहे दिले त्याने, त्यावेळेस सुदाम्याच्या बायकोची काय अपेक्षा होती की मित्र आहे आपला, एवढा मोठा राज्य करतोय द्वारकेला, म्हटल्यावर काहीतरी देईल म्हणून तुम्ही जा. सुदाम्याच्या मनात तसं काय नव्हतं, तो आला निस्वार्थीपणाने त्याला पोहे दिले. ज्यावेळेस श्रीकृष्णाने पहिला घास खाल्ला पोह्याचा, त्यावेळेस श्रीकृष्णाच्या लीलेने सुदाम्याच्या बायकोचे मुलांचे दागदागिने आले अंगावरती, कपडे बदलले त्यांचे, गरिबी दारिद्र्यातून तो श्रीमंतीकडे आला. त्यानंतर दुसरा घास खाल्ला तर सोन्याचं घर झालं त्याचं, सोन्याचा राजवाडा होता पूर्ण, काही काय पण सोन्याचा राजवाडा झाला. आणि तिसरा तो घास खात होता, त्यावेळेस रुक्मिणीनं श्रीकृष्णाला अडवलं की खाऊ नको तिसरा घास, कारण जर तिसरा घास खाल्ला असता तर श्रीकृष्ण त्याचं राज्य तिन्ही लोक सगळी सुदाम्याच्या पायात आणून ठेवली असते. अशी श्रीकृष्ण आणि सुदाम्याची मैत्री आणि त्यांच्या मैत्रीचं प्रतीक म्हणून हे मंदिर आपण इथे बांधलेलं आहे, ते पाहिलं, त्याचं दर्शन घेतलं, आलं लक्षात. यह वीडियो हमें श्री समर्थ नाना टूर्स सासवड के सौजन्य से प्राप्त हुआ है. हमारा चैनल उनका आभारी है. दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए अपलोडेड वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद.